नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है ये सोया चाप। आज हम ये सोया चाप घर पर ही बनाएंगे, बिल्कुल यमी और टेस्टी बनते हैं और मार्केट से इन्हें लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही हमने ये बनाए हैं। बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट स्टाइल, तो बस बिल्कुल सादा सिंपल सा तरीका है। तो आइए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा कटोरी सोयाबीन की दाल ली थी, जो कि मार्केट में बड़ी आसानी से किसी भी किनारे दुकान पर मिल जाती है, और जिसको मैंने आधी कटोरी को सोकर ही रखा था 3 से 4 घंटे, फूल के ये हमारी एक कटोरी हो गई। उसी हिसाब से मैंने एक कटोरी ये सोया बड़ी ली थी, इनको भी मैंने गर्म पानी में अच्छे से सोक करने रखा था, तो ये हमारी फूल कर तैयार है। पानी इनका मैंने निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। ये मैंने दाल को पीस लिया है, दाल में मेरा केवल आधा कप से भी कम पानी लगा है। आप चाहो पानी जितना कम हो उतना ही इसमें इस्तेमाल करना, नहीं तो क्या कि फिर जितना ही हमें फिर मैदा ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। तो ये दाल मेरी पीसकर तैयार है, और उसी दाल में मैंने ये सोया बड़ी को पीस लिया था। तो ये दोनों चीज़ें पीसकर मेरी तैयार हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक ऐड करने के बाद में अब इसमें हम इसमें डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए हमें इसमें मैदा का इस्तेमाल करना है, तो मैदा हम 2-2 चम्मच करके ही ऐड करेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उसी में इतना ही मैदा इसमें हमें ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। और जब इसको हम दाल या सोया बड़ी को पीसें तो ये ध्यान रखना है कि पानी कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। जितना पानी कम इस्तेमाल होगा तो जितना ये इसका जो बैटर है पतला होगा तो मैदा भी इसमें कम ही लगेगा, तो यानी मैदा हमें कम से कम ही लगाना है। तो और इसका सॉफ्ट सा डो लगा के हम तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमारा डो लग कर तैयार है। थोड़ा सा मैंने इस पर ऑयल ग्रीस कर दिया था इसके ऊपर, और इसकी एक लोई लेके एक बड़ी सी चपाती बेल लेते जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना, बस तो एक लोई और आटा डस्ट करके इसकी एक बड़ी सी चपाती बेल लेते हैं, जो रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसकी चपाती बेल के तैयार करनी है। ये देखिए चपाती मैंने बेल ली है ना, ये मोटी रखनी है हमको, ना ज़्यादा पतली रखनी है, मीडियम साइज़ की रखनी। चपाती बेलते हैं उससे हल्का सा इसको मोटा बेलना है बस, और इस तरह से इसके लंबी लंबे कट लगा लेते हैं। और इसके एक या 4 से 5 इसकी लंबी लंबी इस तरह से पट्टी हम काट लेते हैं। और अब हम एक स्टिक लेंगे जो आइसक्रीम वाली होती है ना, बस इस तरह से, और क्या करेंगे इसमें से लेके और इसको घुमाते हुए आधे के ऊपर ये कवर करते हुए इस तरह से इसको ऊपर हम पूरे स्टिक को ले जाते हैं। देखिए इस तरह से हमारा एकदम लग रही है ना मार्केट स्टाइल। अब इसको हमें बॉईल करना है, तो ये पानी मेरा बॉईल हो गया, मैंने पहले रख दिया था, और पानी में इनको कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। देखिए जब ये अपने आप ही ये पककर एकदम से तैयार हो जाएंगे ना, तो अपने आप ही ऊपर आने लगती हैं, तो इनकी यही पहचान है। तो 3 से 4 मिनट इनको बॉईल होने देते हैं। ये देखिए 3 से 4 मिनट ही हुए बॉईल होते हुए, देख सकते हो आप ऊपर अपने आप ही ये आने लगी, यानी पककर हमारी ये तैयार है। और इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये सोया चाप को बनाया है। अब हम इन्हें निकाल के क्या करेंगे, बर्फ़ के पानी में डाल देते हैं। इससे क्या कि अच्छे से हमारी फूल के सॉफ्ट रहेंगी ये। और अब हमें जितनी हमें ये बनानी है उतनी हम अपने पास रख सकते हैं, बाकी के हम इन्हें स्टोर करके रखेंगे। जो थैली आते हैं ना जिप लॉक वाली, आप उसमें भी रख सकते हैं स्टोर करके, या एयरटाइट डिब्बे में, पर इन्हें फ्रीज़र में ही रखेंगे। ये 15 से 1.5 महीने तक इनको स्टोर करके घर पर रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे निकालिए, जैसे मार्केट से लाते हैं ना बस वैसे ही बना सकते हैं। तो ये हमारी सोया चाप बनकर तैयार है। ये 3 से 4 पीस सोया चाप के मैं अभी बना के हम दिखाते हैं आपको, और बाकी के मैं स्टोर करके फ्रीज़र में हम रखेंगे। अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और देखिए ये बड़ी आसानी से निकल आई है ना, बिल्कुल वही बनी एकदम जैसे मार्केट स्टाइल। कम खर्चे में कम समय में बनकर ये हमारी सोया चाप बनकर घर पर ही तैयार हो जाती हैं। तो आइए इनको बनाना स्टार्ट। सबसे पहले सोया चाप के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच दही ले लिया है, और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर जाएगा, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें फूड कलर, और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल जाएगा। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, और ये मैंने सोया चाप ले ली, इनको इस तरह से पीसेस में हम कट कर लेते हैं। आप
कोई सा भी, इसको एक में से चार या पांच पीस कट कर सकते हो। ये मसाले में सोया चाप को इसमें ऐड कर देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे। से 15 मिनट बाद इनको हम तेल हमारा गर्म हो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके इनको सेक लेते हैं अलट पलट के और क्रिस्पी होने तक। और ये हमारी देखिए बिल्कुल सिक्का तैयार है, कलर कितना बढ़िया आया। और इसमें डालेंगे मोमो सॉस एक चम्मच और थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू का रस, और अच्छे से इसको मिक्स करके प्लेट में सर्व करेंगे। प्लेट में थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया की पत्तियाँ और हरी चटनी और मेयोनीज के साथ ये हमारे गर्मा गर्म सोया चाप बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बाय।